बाकी भाई बारिश देखो, बहुत ज़बरदस्त बारिश, बहुत ज़बरदस्त बारिश है। मतलब यार काम करने को बहुत मज़ा आ रहा है, बट लेकिन कंपनी जो हम लोग के साथ कर रही है ना, वो बहुत गलत कर रही है। फाइनली अपना ऑर्डर कैंसिल हो चुका है 4:50 पे। भाई कस्टमर ने आखिर तक फ़ोन नहीं उठाया, और देखो भाई यहाँ पे ही रुका था मैं। यहाँ पे कम से कम मैंने ना 32 मिनट वेट किया, मतलब आधे घंटे के ऊपर भाई यहाँ पे मैंने वेट किया, और यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक है, ये हॉस्टल के अंदर है इसके लिए भाई ठीक है ना, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। ऐसी ऐसी लोकेशन के ऑर्डर गिरते, क्या ही बताओ यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और गाइस अभी जस्ट मैंने लॉग इन किया है और मुझे गिरा है पहला ऑर्डर जो कि मैंने पिकअप कर लिया है। ये देखो, इसके अंदर मैंने एक कैरी बैग के अंदर लिया है ताकि पार्सल गिरना ना हो इसके लिए। तो और ये ऑर्डर देना है भाई मुझे 9.5 किलोमीटर जो कि बोपोड़ी देना है बालेवाड़ी से। और भाई बारिश देखो, क्या ज़बरदस्त बारिश आ रहा है यार, और सर्च पे चालू हो गया। बट मेरे को ये ऑर्डर है ना भाई, सर्च पे भी नहीं गिरा, ऐसे ही गिरा ऑर्डर। तो चलो भाई इसको जाके अभी डिलीवरी करते हैं, और मैं नाइट में ना कम से कम 3 या 4 घंटे काम करने वाला हूँ। तो भाई देखते हैं आज नाइट में कितनी अर्निंग होती है। तो चलो भाई, और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है यार। तो चलो भाई इसको जाके डिलीवरी करते, तब तक आप लोग मैंने बोला है सब्सक्राइब करने के लिए तो कर दो यार, ठीक है भाई। और जो भी भाई लोग नाइट में डिलीवरी, डे में नाइट में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, बारिश में भाई संभाल के काम करना, क्योंकि भाई बहुत बेकार बारिश हो रहा है, खड्डे बिड्डे देख लेना, ठीक है भाई। तो चलो मैं इसको फटाफट से डिलीवरी कर देता हूँ, ठीक है। एंड भाई लोग ये देखो भाई कितना पानी भर के है, ये इससे अंदाज़ लगाना भाई कितना बारिश हो रहा है। सामने देखो भाई, कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा भाई बारिश का, बट ये देखो भाई ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। और भाई मेरे को ऑर्डर गिरा है ना बिना सर्च पे का गिरा है, और मेरे को जब ऑर्डर गिरा तो सर्च पे बंद था, और जैसे मेरे को ऑर्डर गिरा उसके बाद सर्च पे चालू हुआ है। भाई ये देखो क्या बारिश हो रहा है यार। चलो ठीक है भाई, ऑर्डर पिकअप हो गया, अब जाते हैं डिलीवरी करने। भाई मेरे को ये दिखाना आप लोग को बारिश, इसके लिए मैं रुका था भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। एंड भाई अभी ऑलमोस्ट मैं कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ। ये देखो सामने आई लव बोपोड़ी आउट लिखा है ना, एक्चुअली दिखेगा नहीं, थोड़ा सा वो कैमरे पे पानी आ गया लगता है, कैमरे में नहीं कवर पे। तो अभी फिलहाल मैं वो बोपोड़ी रोड पे रुका हूँ, तो मुझे समझ रहा नहीं कहाँ से जाओ। लोकेशन तो दिखा रहा है लेफ्ट साइड से, और सामने से भी रोड दिखा रहा है, तो मैं समझ रहा नहीं मुझे कि भाई एग्जैक्ट कहाँ से जाऊँ। चलो ठीक है भाई, ये ऑर्डर का कुछ तो देखते हैं भाई, कौन सा लोकेशन पकड़ के ऑर्डर डिलीवर करते, फिर बाद में मिलता हूँ मैं। बाकी ये पानी देखो ना यार, पानी चिपक रहा है, मोबाइल में पानी आ रहा है भाई, वो कवर है ना, कवर पर पानी लग रहा है। ये देखो भाई सब ब्लर ब्लर दिख रहा है। ठीक है भाई चलो देखते कौन सा रूट पकड़ के ऑर्डर डिलीवर करते हैं, और बारिश अभी तक रुक रहा नहीं है भाई। एंड भाई फाइनली अपना नाइट का पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, जो कि ऑर्डर की मिले मेरे को 104 रुपया, और डिलीवरी टाइम मिला 39 मिनट्स। कस्टमर यहाँ पे ही रुके थे रोड पे, वही वो मेरा वेट ही कर रहे थे कि भाई तू कब आएगा। फिर उन्होंने लोकेशन ट्रैक कर रहे थे ना, तो मैं जैसे आया तो वैसे उन्होंने मेरे को फ्लैश लाइट दिखाया, इसे भैया इधर इधर इधर। तो फाइनली अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। अभी फिलहाल मैं हूँ बोपोड़ी में, अभी अपने को जाने बानेर रोड पे, जाते थे ऑर्डर गिर गया तो ठीक है भाई। और कस्टमर ने जगह पे 5-स्टार रेटिंग दे दिया, बोले भाई तुम लोग हम लोग के लिए इतना नाइट में बारिश में काम करो तो हम लोग को क्या जाता है रेटिंग देने के लिए। तो सर ने मेरे को जगह पे रेटिंग दे दिया। कोई कोई कस्टमर अच्छे रहते जो फटक से इमीडिएट रेटिंग दे देते। और भाई अभी है ना ये नाइट में शूट करो ना तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता रहेगा आप लोग को, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, चलो जाते अपने एरिया में भाई। एंड भाई फाइनली अपने को सेकेंड ऑर्डर भी गिर चुका है। जैसे मैं मेन रोड पर आया भाई वैसे अपने को सेकेंड ऑर्डर गिरा। ऑलमोस्ट पिकअप दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर, और ड्रॉप दिखा रहा है 5.5-6 किलोमीटर के आसपास। देखो भाई मेन रोड पे आया वैसे ऑर्डर गिर गया। तो चलो भाई जाते हैं अभी सेकंड ऑर्डर पिकअप करने। भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं रेस्टोरेंट पे, और अपना ऑर्डर रेडी हो रहा है, जो कि रेस्टोरेंट है फ्रोजन बॉटल, ये रहा। तो अपना ऑर्डर रेडी हो रहा है, और ऑर्डर भाई अउन से पिकअप करके देना है बालेवाड़ी में। तो ऑर्डर रेडी होने तक वेट करते भाई। 2000 years later। भाई पिछले 15 मिनट से मैं ऑर्डर का वेट कर रहा, अभी तक अपना ऑर्डर रेडी नहीं हो रहा है, और बारिश रुकने का नाम ले रही है, मस्त कमाने का चांस है। बट ये रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं भाई, लटका दिया मेरे को। मैं भाई कम से कम 15 या 17 मिनट हो गया भाई वेट कर रहा मैं ऑर्डर का, अभी तक दे रहे नहीं है। बताओ भाई, उनको मैंने 4 से 5 बार बोला भाई जल्दी दे, सर्च पे चालू है, अच्छा कमाने का टाइमिंग है, बट सुन रही नहीं है। हाँ भाई टाइम लगेगा, इतना ही बोल रहे, लटका दिया मेरे को। अभी टाइम हो रहा है 1:10, जब ऑर्डर नहीं मिल रहा है, और अभी भी मैं आउन में ही हूँ, वो देखो अपनी बाइक। चलो ठीक है भाई वेट करते। एंड भाई फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद भाई अपने को ऑर्डर मिला, ये देखो भाई। अरे मतलब अंदर ऑर्डर बना रहे और खुद खा रहे भाई, और मेरे को बोल रहे ऑर्डर अंदर ख़राब हो गया, क्या बोलने का यार। मतलब इतना टाइम लगा है ना फालतू में, इतना अच्छा कमाने का टाइम नहीं देते भाई ये रेस्टोरेंट वाले ना, पूरी वाट लगा डालते। एक तो रेस्टोरेंट वाले कस्टमर लोग भाई, मेरे को लगा मेरा ऑर्डर बना रहा है, तो मेरे को लगा अभी बॉक्स में डाल के पैक करेगा, बट वो भाई तो खुद ही खा रहा है और बोल रहे ऑर्डर ख़राब हो गया तेरा। चलो ठीक है भाई,
ऑर्डर पिकअप किया, अभी देना है इसको 5 किलोमीटर जो कि बालवाड़ी पे है, तो चलो जाके डिलीवरी करते हैं भाई। ये नेक्स्ट टाइम ये ऑर्डर मतलब होटल का ऑर्डर नहीं गिनी चाहिए भाई, इतना डिले है ना, इतना डिले क्या ही बात। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई फाइनली अपना सेकंड ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, और देखो भाई क्या बारिश है यार, और अभी तक ऑर्डर नहीं गिर रहे, सेकंड ऑर्डर डिलीवर कर दिए और अभी तक मेरे को तीसरा ऑर्डर नहीं गिरे। और भाई मैं अंदर था और अंदर है ना फाड़ करके आवाज़ आया लिफ्ट में, तो मैं डर के ना बाहर ही आ गया। तो अभी भाई अपनी को भी गिरा है तीसरा ऑर्डर जो कि सर्च पे में ही गिरा है, और सेकंड ऑर्डर भी भाई सर्च पे में ही गिरा। बाकी बारिश आवाज़ सुनो भाई, क्या खतरनाक बारिश हो रहा है भाई, बारिश मस्त हो रहा है, सर्च पे भी चालू है, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाले ना बहुत टाइम लगा रहे यार, फिर ऑर्डर मारने को मज़ा नहीं आ रहा है। अब गिरा तीसरा ऑर्डर देखते हैं, नहीं तो फिर घर पे चले जाएंगे भाई 4-5 ऑर्डर मार के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई ये कंपनी को क्या हुआ सच में समझ रहा नहीं है, कंपनी ना बार बार सर्च पे बंद कर रही, चालू कर रही, बंद कर रही, चालू कर रही है, और जो कि बारिश है ना कंटिन्यू चालू है, ना कि बारिश रुक रहा है, पता नहीं भाई ऐसे क्यों कर रही कंपनी। देखो आवाज़ सुनो, देखो भाई कंटिन्यू बारिश है और फिर भी भाई सर्च पे बंद चालू हो रहा है, और कस्टमर लोग का है ना, कस्टमर कंपनी ना कस्टमर से सर्च पे कंटिन्यू ले रही है, ना कि वो बंद हो रहा है, कंटिन्यू सर्च पे चालू है, मतलब कंपनी ले रही है कस्टमर लोग से और हम लोग को दे रही है, और कंपनी कस्टमर से कितना सर्च पे ले रही है 30 रुपीज़, और हम लोग को कितना दे रही है 25 रुपीज़, जो कि बंद चालू ओके भाई क्या बताओ। अभी ना मैं ऑर्डर डिलीवर किया, बट उसके कितने पैसे मिले वो नहीं मालूम मुझे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेना, मैं लगा दूंगा। बाकी भाई बारिश देखो बहुत ज़बरदस्त बारिश है, मतलब यार काम करने को बहुत मज़ा आ रहा है, बट लेकिन कंपनी जो हम लोग के साथ कर रही है ना वो बहुत गलत कर रही है कि कंटिन्यू सर्च पे चालू करके बंद करे। मतलब इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, कि ऐसे कित भाई कितना बड़ा चूहा, मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, कि मतलब वो टाइम पे ना हम लोग का ऑर्डर गिर रहा है और सर्च पे वही टाइम पे बंद हो रहा है, फिर हम लोग का ऑर्डर गिरने के बाद वापस वो टाइम पे 1-2 मिनट के वापस सर्च पे चालू हो रहा है, और भाई 25 रुपीस, मतलब देखो ना हर ऑर्डर पे अगर 25-25 रुपये कम होगा, मेरे को पहले ऑर्डर पे सर्च पे नहीं मिला, अभी ऑर्डर पे भी सर्च में मिला नहीं मिला ठीक है। और अभी ना भाई इतने खतरनाक बारिश में मैं ऑर्डर लेके आया, कस्टमर मेरे को मैम खुद बोले थैंक यू भैया आप इतने बारिश में ऑर्डर लेके आए, मैंने मैम प्लीज़ वो रेटिंग कर देना, हाँ भैया हम टिप दे देंगे। देखो कस्टमर लोग ऐसे रहते, बट कंपनी राइडर लोग के साथ ऐसा क्यों करे पता नहीं। बोला ठीक है भैया, अभी फिलहाल मैं भोपोड़ी में, अभी जाना है मेरे को बाड़ेर में, और इस साइड में ऑर्डर नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो ठीक है, ना तो फिर अपने एरिया में जाएंगे ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो यार इसी बात पे। 2000 years later एंड भाई अभी रात के बज रहे हैं 4:40, अभी मैं ये सिम्बोसिस ऑर्डर देने के लिए, भाई मेरे को यहाँ पे 20 मिनट हो गया मैं वेट कर रहा हूँ कस्टमर के कॉल का, कस्टमर कॉल वेट नहीं कर रहे, मीन्स कॉल ही नहीं कर रहे, ना ही ऑर्डर लेने के लिए आ रहे, ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहे, तो अभी मेरे पास 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट के बाद मैं सपोर्ट को कॉल करके ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा भाई, क्या बोलने का यार, एक तो नाइट में ऑर्डर नहीं है, ऊपर से कस्टमर लोग इतना टाइम वेट कर रहे, और देखो भाई यहाँ पे कोई नहीं है, बस इतने कि भाई ये लास्ट बस स्टॉप है, तो यहाँ पे रुका था मैं ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग को अलाउ नहीं है ना भाई, तो चलो भाई सपोर्ट से बात करके ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, नहीं तो उतने में कस्टमर आया तो उनको ऑर्डर दे देते भाई, जो भी रहेगा मैं बता दूंगा। फाइनली अपना ऑर्डर कैंसिल हो चुका है 4:50 पे, भाई कस्टमर ने आखिर तक फ़ोन नहीं उठाया, और देखो भाई यहाँ पे ही रुका था मैं, यहाँ पे कम से कम मैंने ना 32 मिनट वेट किया, मतलब आधे घंटे के ऊपर भाई यहाँ पे मैंने वेट किया, और यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक है ये हॉस्टल के अंदर है, इसके लिए भाई ठीक है ना, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, ऐसी ऐसी लोकेशन के ऑर्डर गिरते क्या ही बताओ यार। चलो ठीक है भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब जाते हैं रेस्टोरेंट पे रिटर्न ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पे जाने तक अपने को ओटीपी मिलता नहीं है ना, और कंपनी पॉलिसी है जब ऑर्डर कैंसिल होता है तब रेस्टोरेंट पे जाके रिटर्न देने का, फिर रेस्टोरेंट से ओटीपी लेने का, अब वापस इतना दूर जाने का यार। बात एक अच्छा है कि भाई अपने को रिटर्न ऑर्डर गिरा है बानर का, तो चलो जाते हैं ओटीपी ले लेते भाई। एंड भाई अभी फाइनली आ चुका मैं अपने बिल्डिंग में, अभी भाई ऑर्डर भी मेरे साथ ही है, ये देखो भाई एक्चुअली क्या हो गया पता है, मैं गया रेस्टोरेंट के पास, उनको बोला भैया ओटीपी दो, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ओटीपी हमारे पास नहीं आता है, आप एक काम करो सपोर्ट को कॉल करो और उनसे ओटीपी लेना, बोले ठीक है, फिर मैं सपोर्ट से बात किया, फिर सपोर्ट ने रेस्टोरेंट से बात किया, रेस्टोरेंट ने ओटीपी दिया, फिर उन्होंने मेरे को ओटीपी दिया, फिर रेस्टोरेंट को बोला ये ऑर्डर, तो उन्होंने बोला एक काम करो भैया घर पर लेके जाओ, तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, नॉनवेज है, नॉनवेज तो मैं खाता हूँ बट इतने सुबह सुबह कौन खाएगा इतना सारा, तो मैं बोला चलो ठीक है ऑर्डर लेके आते, अपने बिल्डिंग के नीचे ना डॉगी है तो उनको देते हैं। और भाई आज बताओ सच में ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो रहा आज हर एक ऑर्डर को टाइम वेस्ट हुआ, और मेरे आँख देखो सब लाल लाल हुए, ये इसके लिए क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था मैंने, तो पानी लग रहा था कंटिन्यू, और अभी बारिश की तरह अभी शांत हुआ है, तो चलो ये ऑर्डर अभी है ना ये बाहर डॉगी है उसको दे देते खाने के लिए, उन लोग भी खुश हो जाएंगे भाई, चलो और मैं रेनकोट भी उतार लेता हूँ। गाइस ये देखो उन लोग को ऑर्डर डाले, एक इधर है एक उधर है, वो खा रहा है।
मस्त है इनकी पार्टी रे, ये अपना पहचान वाला है। ये देखो भाई खा रहे हैं मस्त अभी। वो देखो तीन तीन है और भाई तीनों आइटम है ना चिकन का है। वो देखो खा भाई खा मजे कर, ये अपना पहचान वाला है। खाओ ए, झगड़ा नहीं करने का भाई। देखो तीन तीन चिकन का पीस डाला उनको, अभी खा रहा नहीं है बट थोड़े टाइम पे खा लेगा ये। ये देखो ये किधर भी है, खाना भाई खाना, इतना महंगा 700 रुपये का ऑर्डर है भाई, खा फटाफट। चलो गाइस फाइनली ये वीडियो को एंड करते हैं भाई। डॉगी लोग को मस्त खाने को दे दिया, बाकी मेरा फेस देखो क्या हो गया है। तो चलो अभी अब बात करते हैं ऑर्डर अर्निंग की और गाड़ी कितनी किलोमीटर चली। तो भाई मेरी पूरी अर्निंग हो चुकी 867 रुपीज, और कितने घंटे लॉग इन था मैं, 5.5 घंटे लॉग इन था, और अभी 5:50 हो गया, अभी अपने को जाना है घर पे। और भाई अभी आपको मैं बताऊँ सच में आज नाइट में ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हर एक ऑर्डर को बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी होते हैं कभी ज़्यादा कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाइक की बात करते हैं, बाइक मेरी चली बराबर 109 किलोमीटर, तो 55-60। अरे भाई मैंने बटन ही दबाया नहीं, बताओ मैं ब्लॉग चालू किया बट बटन ही दबाया नहीं। तो गाड़ी चली मेरी 109 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी ने 1 लीटर में एवरेज थी 50/60 का, तो कैलकुलेट कर लेना भाई कितने का पेट्रोल लगा रहेगा। तो ये थी मेरी आज की अर्निंग जो कि मैंने आपको लाइव बता दी है। 5.5 घंटे में 867 रुपीज़ अर्निंग हो गई, 8.5 ऑर्डर, और ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, और डॉगी को भी खिला दे, उन लोग भी मजा कर लिए। तो ये थी मेरी आज की अर्निंग जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बोला कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय। भाई अभी सोना नहीं है, अभी मेरे को वीडियो एडिट करना है, क्योंकि भाई अभी मैं रात को एडिट करके नहीं गया था, अभी वीडियो एडिट करूँगा, फिर सुबह आपको 9 बजे देखने मिलेगा। तो चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, और अपना सेकंड फ्लोर भी आ गया, तो चलो बाय बाय गुड नाइट गाइस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।